वेलकम बैक टू अधिराज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग आपने देखा, स्टार्टिंग में मैं चाय बना रही थी और आलू टिक्की बनाई थी मैंने, तो अभी खाई है मैंने और बर्तन वर्तन रख दिए क्योंकि अभी थोड़ा मौसम भी अच्छा हुआ तो सोचा थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो मैं ऊपर आ गई हूँ और बहुत ही अच्छा वेदर है। मैंने आलू टिक्की बनाई है और ये इतना मतलब ब्राइट क्यों आ रहा है पता नहीं, मेरा कैमरे को कुछ लगा है या एक तो है ना मोबाइल को भी है ना बार। हाँ अभी अच्छा आ रहा है। और मेरा आईब्रो फिर से बढ़ गया है। मैं सोची आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी और आपको बोली मैं बातें करती हूँ, बातें तो नहीं की और मैं घूमने लग गई थी थोड़ा ऐसे ही घूम रही थी, तभी आधी आ गई तो बोलती मम्मा मेरे साथ है ना स्लो मोशन वीडियो बनाओ ना, उसको स्लो मोशन बनाना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे ही उसके साथ घूम। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो मैं आज है ना मैं ट्यूशन में पढ़ाई कर रही थी, रोज स्पीड लिखती हूँ ट्यूशन में और किसी का मुंह नहीं देखती हूँ। हाँ और कुछ नहीं, हेयर बेल्ट यहाँ नहीं रही, यहाँ लगाती हूँ। और हम लोग लिपस्टिक लगा दी, चूड़ियाँ वूड़ियाँ कहाँ पहन के घूम रही है। और हम लोग मॉल का घूम के आते थे बच्चों, कल हम पानी पूरी खाए और आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम लाई थी ना। हाँ। और पानी पूरी आइसक्रीम मॉल को घूम के आए, मुझे पेंटिंग का लिए, मैं दीदी के साथ खेलने वाली हूँ, उधर दीदी है। गाइस मैं ऊपर घूम के आई थोड़ा और इतनी रील्स बनाई, रील्स तो नहीं बनाई क्योंकि इंस्टा पे हमारी ग्रुप में बातें हो रही थी तो इसमें थी रील्स बना नहीं पाई, और वैसे भी विदाउट मेकअप क्या रील्स बना, मन भी नहीं करता है और मन भी नहीं है वैसे कुछ करने का। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था एक दिन ऐसी एनर्जी आती है कि एक दिन में 4-5 शूट कर लेते, और कभी कभी इतनी लेजी हो जाती हूँ कि अब 4-5 दिन कुछ भी नहीं करूँगी। और बाल भी बहुत चिपचिपे हो गए और मैंने 2 महीनों से बालों को ऑयलिंग नहीं की है, मतलब हॉट ऑयलिंग नहीं की है, तो मैं आज हॉट ऑयलिंग करूँगी अपने बालों को। आधी मच्छर आते दरवाज़ा लगा दो यार, तो हॉट ऑयलिंग करूँगी मैं अपने बालों को और खाना बनाएंगे आपको किचन में लेके चलती हूँ। देखो मेरे हस्बैंड देख रहे टीवी। और यहाँ देखो बारिश आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, व्यू देखिए इतनी ज़ोर से आई थी ना गाइस, बारिश आ गई है और मैं ना आदि को ट्यूशन छोड़ने आई थी, एक मिनट रुकिए मैं डोर खोलती हूँ। हाँ तो गाइज मैं बोल रही थी मैं अभी को ट्यूशन सुने आई थी, मैं कल के ब्लॉग में आपको मिली थी क्या कर रही थी मैं, हाँ कल मैंने चाय बनाई थी, आलू टिक्की बनाई थी, उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी थोड़ा घूमने, फिर आई टेरेस पे आपने देखा और फिर मैं आई डिनर बनाई खा ली और फिर मैं सो गई थी। मैंने कोई ब्लॉग को एंड ही नहीं किया तो सोचा अभी, और अभी है ना पता है कि 4 बज रहे हैं और मैं अभी को ट्यूशन छोड़ने, इतनी धूप है अभी भी और मैं रास्ते में अंदर गई ट्यूशन के अंदर और इतनी ज़ोर से बारिश चालू हो गई ना, बहुत ही भयानक वाली, 10 मिनट भी नहीं चालू रही और डन मतलब बहुत ही ज़ोर से चालू हुई, ज़ोर ज़ोर से, और अपने अभी बंद हो गई। तो मैंने ना मैडम से ट्यूशन के मैडम से अम्ब्रेला लेके आ गई है, देखो मैं जब लेने जाऊँगी ना उसको तो दे दूँगी और मैं घर से लेके चली जाऊँगी अगर बारिश रही तो। तो ये था, और मेरा फेस थोड़ा आज थोड़ा ना अच्छा दिख रहा है ना क्योंकि मैंने ना आज फेस पैक किया था और मैंने उसका वीडियो भी शूट किया है, DIY फेस पैक था जो शॉर्ट वीडियो में मैंने शूट किया, मैं जी देखूँगी। आपको पता है क्या, मैं ना मतलब इतना डल था, सिर्फ फर्स्ट टाइम मैं ऐसे तो यूज़ करती हूँ पर फर्स्ट टाइम में इतना इफेक्ट आ गया, देखिए कितना ग्लो कर रहा है मेरे चेहरे, यहाँ पे थोड़े पिंपल्स के दाग गए, ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो ये जा ही नहीं रहे। पर मैंने आलू का जूस नहीं लगाया, वो लगाऊंगी ना तो चले जाएंगे, मैं उसका भी शेयर करूंगी क्योंकि मैंने ट्राई किया है। तो यही था, मैं घर पे जा रही हूँ
और आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, पूरा पानी पानी हो गया। तो आ गए हूँ घर पे, तो यही था, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि मैं कल का ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा थोड़ा दिखाऊँ आपको अचानक ही। तो ये था और मैं आ गई हूँ घर पे, रुको एक मिनट, तो दरवाज़ा, अभी मैं घर पे आ गई हूँ। और अभी ये अम्ब्रेला मैंने छुपी लाई, बारिश तो चली गई क्योंकि मैं जब निकली थी ना तब तो थी ज़ोर से, तो अभी ला ली मैंने, निकल ही नहीं रहा था ये अम्ब्रेला, इतना कड़क मतलब इतना टाइट था ना, मैंने इसको खींच के निकाला। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं घर पे भी आ गई हूँ, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा DIY जो फेस पैक आएगा ना आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, बिल्कुल मैं तो बोलूँगी, तो पूरा ग्लो आ जाता है, पार्लर की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे, बाय बाय।